अब बात डूबते रेगिस्तान की, वो रेगिस्तान जो साल भर पानी के लिए तरसता है, लेकिन अब आसमान से ऐसी आफत हो रही बरस रही है कि आज वो डूब रहा है, सड़कों में सैलाब दिखाई दे रहा है। राजस्थान को इस बार ऊपर वाले ने बादल फाड़ बारिश दी है, ऐसा पानी बरसा कि सड़कों में सैलाब आ गया, घरों में पानी घुस गया, गाड़ियां बहने लगी, इंसान बहने लगे मानो आसमान फट गया हो, बांध टूट गया हो। लेकिन यह सैलाब सिर्फ बारिश का है। देखिए, जिस कार को आगे जाना था वो रिवर्स गियर में चल रही है, पानी का प्रहार ऐसा कि क्या मजाल कि गाड़ी थोड़ा भी आगे बढ़ जाए। बारिश की पानी में जिन गलियों में कागज की नाव बच्चे बहाते थे, वहाँ कार बह रही है, लोग बेबस हैं, सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखने को मजबूर है। अब देखिए एक और तस्वीर, सड़क किनारे खड़ी कार लहरों के बीच संघर्ष करती है, लहरें भी पूरा जोर लगाती हैं, लेकिन चंद मिनट में ही कार हार मान जाती है और लहरों के साथ बहने को तैयार हो जाती है। कुछ कारें बह गई तो कुछ की कब्र खुद गई। देखिए कैसे पत्थरों के बीच से जेसीबी की मदद से कार को निकाला जा रहा है, कार पत्थरों के बीच पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी है। जिस पानी के लिए पूरे साल राजस्थान संघर्ष करता है, आज उसने सैलाब का रूप ले लिया है। देखिए बाइक वाला कितना बेबस होकर किनारे पर ठहरा हुआ है। जब कार का ये हाल हुआ तो बाइक की क्या मिसाल कि वो इन लहरों के बीच से गुजरने की हिमाकत भी करे। महज दो घंटे की बारिश जोधपुर शहर में कोहराम मचा दिया, पूरा शहर त्राहिमाम करने लगा, स्टेशन पानी पानी हो गया। मैं अग्निवीर की एग्जाम देने आया था, सुबह कल रात को आया था और आज सुबह 5:30 बजे से बारिश स्टार्ट थी, यहाँ तक पानी था और मैं एग्जाम नहीं दे पाया। सेंटर कहाँ था? सेंटर था पाल रोड पे। टायर सब्जी मंडी में कोई व्यवस्था नहीं है, 4-4 फीट पानी सुबह भर गया था, पूरा कचरा मंडी से पूरा पानी इधर ही आ गया था। और सब व्यापारियों का, जितना भी व्यापारी है 100-200-500 कमाने वाला, उनका सबका माल बह गया, चला गया माल हमारा। देखो ना, पूरा माल हमने इकट्ठा किया है वो पानी में से, एकदम से पानी आ गया बहुत ज्यादा। जोधपुर की मंडी तालाब में तब्दील हो गई, कमर तक पानी भरा हुआ है, कार बाइक बेबस खड़ी हुई है, तबाही का दर्द लोगों की आवाज में सुना जा सकता है। बहुत हालत खराब है दादा, बहुत हालत खराब है दादा। ये टमाटर हो गए रास्ते के भाव, आ गए टमाटर भैया। जोधपुर शहर तालाब में तब्दील हो चुका है, गलियों का हाल देखिए, घरों में पानी घुस गया है, गाड़ियां डूब चुकी हैं, लोग घरों में कैद हो गए। आज तक ब्यूरो।